हेलो जी, राम राम जी। स्पीक आप स्पीक, आपने चैनल लाइफ ऑफ प्रीति में स्वागत है। इस टाइम बज गए हैं शाम के 3:30। जिस टाइम से मैंने अपने व्लॉग की जो शुरुआत की है, और चाय पानी हमने पी लिया है, और ओडा भीतरला करा भी ले गए हैं। ओडा माम घर पाड़ा तुड़ियाला बनावांगे, तो ओडा भी चाय दे दी है। और इब मैं करूँगी काम, मेरे बर्तन भी रह रहे हैं धोने, तो पहले बर्तन। स्कूल में तो आएगी है, 3:30 बजे छुट्टी हुआ करे, तो इविया स्कूल में तो आई है। इविया की मैं चाय पानी पीवेगी और फिर इतना मैं बर्तन साफ कर लूँ, फिर झाड़ू निकाल दूँगी, उसके बाद आंगन में को झाड़ू निकाल दूँगी और फिर मैं गोबर की रहूँगी। तो देख दे रही हो मैं किक्की काम करा करूँ, शाम ने अपने दिखाऊँगी व्लॉग में। तो चलो इब धो लेवा बर्तन अपने। इब मैं लग गई हूँ बर्तन साफ करन, टोकरा ले आई थी, तो मैं बर्तन साफ करूँगी और इब मैं पानी डालूँ बाल्टी में। तो आज गर्म पानी तो था को नहीं, लाइट ही को नहीं आई है। सुबेरे गई थी 7 बजे, इब तक लाइट आई है को नहीं है। मेरा ना के करें गाँव में डोरी डारी लगावे हैं, तो इस करके लाइट छोड़ी को नहीं। आज कमें हैं सांझ ना आवगी 5-6 बजे, तो इब ठंडे पानी में बर्तन साफ करने पड़ेंगे। तो बर्तन सुबह के तो मैंने साफ कर दिए थे, गर्म पानी था थोड़ा सा उसमें कर दिए थे साफ, और थोड़ा बचा था जो उसमें मैं नहा ली थी। तो ईब का मैंने चूल्हा पकड़ा को नहीं, ना मैंने आराम रखा कि गर्म हो जाओगा बर्तन साफ कर लूँगी। तो फिर मैंने सिलाई में गर्म कर दिए, सिलाई में कर दिए बर्तन साफ। और मैं लग रही हूँ बर्तन साफ करने, जमा चिकनी हो रही थी, घी लगा रखा था सब्जी में, तो जमा चिकने हो रहे थे। बर्तन सुबह के तो मैंने साफ़ कर दिए थे, फिर वह शाम फिर थोड़ी बार पाचे 1-1:30 बजे सी खाए थे मैं माँ और रोटी खान, माँ पापा जो सारे काका भी, तो उस टाइम आए थे रोटी खान। तो फिर गर्म रोटी बनाई दी थी मेरी माँ ने, बनाई दी थी, मैं तो पानी लेने जा रही थी, तो मेरी माँ ने रोटी बनाई दी थी। एक दिन सोचो या सबेरे की बनाई थी, दो हैं सुबेरे तो दो दी थी, एक बार ये दोबारा चुन भी के ना गर्मा गर्म रोटी बनाई थी गैस पे अंदर। सुबह मैंने मेरे खातर बनाई थी रोटी, मैं एक लिए थी, सारे जा रहे थे ओडा गाँव में। तो फिर मैं कल मैं मेरी बना ली रोटी, मैंने घनी बनाया का कौन धरी, क्योंकि कल मैंने बनाई दी थी घनी रोटी ना, तो फिर पापा ने खाई कमे खाई रोटी। फिर मैंने गिल्ले खीर बनाई दी थी दुआस थी कल, तो फिर वह खीरे खाई सारे ने, रोटी खाई है कौन मखा, आज मैं बना दिए कौन मखा, जो भी खाओगा उसने गिल गिल दे दूंगी बनाया करने। नहीं फिर मैं पढ़ती हाँ डा घनी घनी रोटी, तो इस करके ना मैंने गिले गिले, फिर मैं तो ठीक हो नहीं, फिर माँ ये लगी बनाना रोटी, तो फिर माँ ने बनाई दी गर्मा गर्म रोटी, फिर सारे ने खा ली। और मैं अपने फिर बर्तन साफ करूँ, जबकि बर्तन साफ करूँ 3:30 बजे। मैंने तो रखी, मैंने सोचा लाइट आ जाओगी लाइट आ जाओगी, पर लाइट आई को नहीं। तो फिर और क्या करूँ, ठंडे में धोने पड़ेंगे बर्तन, फिर मैं अपने ठंडे में लगी धोने बर्तन। शाम ने तो आ जाएगी लाइट, शाम ने तो फिर मैं गर्म पानी कर लूँगी, शाम के बर्तन तो फिर गर्म पानी में धो दूँगी। चूड़ा में बिल्कुल हाथे कौन दिया जाता, और घी तो नहीं जो चिकने बर्तन नहीं हुए, तो इसमें दूना और जम जावे ठंडा पानी में घी। तो गर्मा गर्म पानी में ये धोए हैं बर्तन मैंने धो दिए हैं, और इन मैं लगी हूँ अंदर को झाड़ू निकालन। तो सुबह ही निकाली थी मैंने झाड़ू, उसके बाद ही निकालूँ सीधी, क्योंकि मैंने कौन निकाला करूँ बार बार मैं, क्योंकि ना तो कोई खिलाड़ियाँ होंगे घर, मैं ही हूँ अकेली, और तो सारे बाहर ही हांडी जावे हैं कुछ कुछ काम करते, तो मैं अकेली हूँ, तो मैं तो के खंडाऊँ थी, कोई बालक बुलक है को नहीं तो खंडा दे, तो आशा है वह स्कूल में चली जावे है, तो मैं अकेली हूँ। तो फिर भी मैं झाड़ू तो निकाल ही दिया करूँ, पोचा एक टाइम ही लगाया करूँ सुबह सुबह, तो सुबह हर रोज़ पोचा लगा दिया करूँ, शाम ने तो मैं झाड़ू ही झाड़ू निकालूँ। सोच पोचा की करूँ, इतना गंदा होंदा ही कौन, तो इस करके झाड़ू निकालन में भी ठीक हो जावे है। फिर मैं अपना झाड़ू निकालन लग गई थी, मैं इतना झाड़ू निकाल लूँ, और आशा पीवे थी चाह, मैं कहती ना मैं कमरे में को झाड़ू निकाल लिया हूँ, आशा चाय पीवे थी रसोई में। तो फिर मैंने कमरे में को झाड़ू निकाल दी थी, और मैं लग रही हूँ निकालना अपने।
पूरी मस्ती में अड़ंगा तो खंड था को नहीं, बाकी कमरे में तो ऊँ झाड़ू निकालना क्योंकि बड़े देख हूँ सारा दिन, छोटे छोटे तो दिन हुए कम ही काम बना, बहरे बहर लागे रहा वहाँ बहरे बहर, तो बहरे बहर का काम बना है। फिर भी मखा निकाले दी झाड़ू तो मैंने निकाल दी, फिर मैंने अंदर को झाड़ू निकाल दिया था, तो फिर मैं लग गई आंगन में को निकालन क्योंकि और कभी अड़ंगा आ जाएंगी आंगन में को बड़ा आंगन को बेड़ा करने में कितनी बार ही झाड़ू निकल आंगन में करते कर का करता है लूंगा सब करता रहा है मतलब लूंगा मतलब जो है छोटा छोटा सा करता रहा है छोटा झाड़ू निकालने झाड़ू निकालना क्योंकि निकाले दूँ गंदा लग भी जाएगा पड़े तो इस करके मैं अभी जाऊँगा थोड़ा इस करके मैं निकाल दिया। मेरा काम बन गया है जी, मैंने बर्तन भी साफ कर दिए, झाड़ू भी निकाल दिया, आंगन भी समर दिया और मेरी मार का पानी भी रख दिया मैंने, क्योंकि आज बर्तन भी घने हो रहे थे, आज लाइट तो आई को नहीं तो ना गर्म पानी था ठंडे में करे साफ, बिल्कुल जमान का गीजा मरिया था साफ भी को नहीं होते सीढ़ा पानी में, तो क्यों सीढ़ा पानी में तो दूना ही जमया करा घी तो इस करकन। और ईब देखो मैंने गर्म पानी रख दिया है, मेरी माँ और का दो आरे लगा दिए हैं, एक यो छोटा आरा मैं एक बड़ा डेगचा, दो डेगचा में दरिया हमने पानी इसमें तो दूध दरिया है और मना आ रहे तो इसे देने आकर फिर भी नुआ काम तो चलाए दे हूँ, लाइट का तो बेरा को नहीं किस टाइम आओगी तो आया करना आवेंगे और गाँव में तो आया कर पापा काका और सारे जने नहावे तो गे तो इस करके एक जना इसमें नहा लेगा दो जने का काम उसमें चल जाएगा, मैंने इस करके दो डेगचे धरती पानी के। सब्जी पानी आज कुछ बनाना को नहीं, मैंने सुबह बनाया दी थी कढ़ी तो उसमें शाम ने भी काम चल जाएगा, मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ही बना दी थी, मैं खा सांझ ने फिर के बनाऊंगी, रोज़ की रोज़ बनता ही कौन कि मैं साग पानी बनाने का, तो रोज़ की रोज़ के तो साग बनावे किन्ना कि मैं अच्छा लगता, रोज़ आलू गोभी मटर आलू गाजर मटर कुआँ आलू मटर कुआँ आलू का और कि मैं बनता ही कौन मैं खास तो कढ़ी चौल बना लेवा, तो कढ़ी चौल कढ़ी बनाई थी सवेरे तो चोल देखूंगी तरूंगी तो को खाएगा तो धर दूंगी, नहीं तो कुकर में बनाई दूंगी, तीन चार सीटी आ जाएंगी आ जाऊंगी कुकर में तो फिर बन जाएंगे। तो ये रह गया मेरा गोबर गेर खाना, उसके बाद रोटी बनानी, तो ये रोटियाँ का तो बनाए टाइम पड़ा है, कितना टाइम होया है 4 बजे हैं, तो ये रोटियाँ का तो बनाए टाइम पड़ा 6 बजे लग गया करूँ, 7:15 बजे तक बन जावें तो इब तो की करना है, तो अगर तो फिर कर देवा इस व्लॉग का जी यहीं पे एंड, तो मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो और लाइक भी कर दियो शेयर भी कर दियो, अगर व्लॉग पसंद आए तो कमेंट भी कर दियो, तो बाय टेक केयर, मिलते हैं कल फिर एक न्यू व्लॉग में।